हाथरस कांग्रेस जिलाध्यक्ष डी जल्लेकर घुसे बैंक में, उड़ाई बैंक सुरक्षा की धज्जियां। हाथरस में महंगाई का विरोध करने में कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूले बैंक की सुरक्षा। डीजल से भरी बोतल लेकर पहुंचे बैंक में जमा करने। आपको बता दें, कांग्रेस के द्वारा लगातार महंगाई का विरोध करते हुए हाथरस में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा महंगाई का विरोध करते हुए अपने दर्जन भर कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस के प्रमुख बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक में पहुंच गए, जहां उनके द्वारा नींबू और रिफाइंड आदि वस्तुओं के साथ ही डीजल भी बोतल में भर के अपने साथ ले जाया गया और बैंक में जमा करने का प्रयास किया गया। डीजल एक ज्वलनशील पदार्थ है। डीजल और पेट्रोल या किसी भी तरीके का कोई आग्नेय अस्त्र किसी के द्वारा बैंक परिसर में नहीं ले जाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष यह बात भूल गए और उन्होंने अपने प्रदर्शन के चलते बैंक की सुरक्षा में भारी चूक कर दी। इस बारे में ब्रांच मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष का ये कार्य गलत था और इसके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे और जो भी उच्च अधिकारियों के निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। सर, अभी यहाँ कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा डीजल, नींबू, तेल में ये जमा कराने के लिए आए थे जी। ऐसे में यहाँ डीजल एक ज्वलनशील पदार्थ है, बैंक के अंदर पब्लिक के द्वारा लाना अलाउड है या नहीं, और क्या उसको कार्रवाई आपके द्वारा बनेगी ऐसे में उस बैंक के अंदर ज्वलनशील पदार्थ को लाना? देखिए, ये डीजल और पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ जो है ये किसी भी तरीके से बैंक में नहीं लाना चाहिए, और जो भी ये किया है बिल्कुल गलत किया है। इसके विरुद्ध प्रॉपर जो बैंक के नियमों के अधीन जो कार्रवाई होती है वो करी जाएगी और हम इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारी को भी तुरंत अवगत कराएंगे। ऐसे में अगर ये जैसे कि आपकी जांच में अगर ये दोषी पाए जाते हैं और ये चीज़ मान के तौर पर आई जा सामने आती है कि बैंक के अंदर डीजल आया है, तो क्या कार्रवाई आपके द्वारा पूरी तरीके से बनेगी? अब इसकी कार्रवाई तो हम अपने पहले उच्च अधिकारी को इसके बारे में अवगत कराएंगे और उन्हीं के द्वारा आदेश जो निर्देश हमें प्राप्त होंगे उसी के अनुसार इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज खाद्य सामग्री के रेट आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पर तो बेतहाशा बढ़ोतरी हो ही रही है। आज नींबू जो गर्मियों में लोगों को, गरीब आदमी को राहत देता था, उसके रेट आसमान छू रहे हैं, लोगों की पकड़ से दूर हो रहा है। और आज हम कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी यहाँ नींबू, दालें, सरसों का तेल, रिफाइंड डीजल हम बैंक में जमा करने आए थे और इस बैंक में हमने अनुरोध किया कि भैया ये सामान जमा कर लो। ये बैंक जो है राष्ट्रीय का हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने किया था, और इस उम्मीद से कि गरीब आदमी इसका इस्तेमाल करेगा और मुसीबत के समय अपनी जमा पूंजी जमा करके कुछ उसे पैसा मिलेगा। लेकिन स्थिति बस से बदतर है, बैंक वाले बेचारे खुद परेशान है। वो कह रहे हैं, अध्यक्ष जी हम खुद आंदोलन कर रहे हैं, प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, हमारी नौकरी छीनी जा रही है। आज मैं देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से हाथरस के लोगों से अपील करता हूं कि जाति और धर्म से परे इस देश के हित में, और देश का हित जब होगा कि जब हम खुशहाल होंगे, और जब खुशहाल हम होंगे कि जब हर चीज हमारी पकड़ के पास होगी। लेकिन आज मोदी सरकार ने हर चीज पकड़ से दूर कर दी है। पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं, सिलेंडर 1000 के पार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, और आदरणीय योगी जी आपका बुलडोजर गरीबी दूर करने में क्यों नहीं चल रहा है? आपका बुलडोजर तो केवल और केवल उद्योगपतियों का इस्तेमाल करने में, और आपका बुलडोजर जो है ना वो डराने का काम कर रहा है। आज ये देश में इतना भय पैदा करना चाहते हैं प्रदेश में कि लोग डर कर इनको वोट और सपोर्ट करें। ये भय युक्त शासन है, भय मुक्त शासन नहीं है। आज इसी के विरोध में हम लोग बैंक में यहाँ सामान जमा कराने आए थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।